भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तप साधना का मार्ग है, साधनों का नहीं। बहुत दुखी था एक सेठ, बारामती का नहीं, बारामती के सारे सेठ सुखी हैं। बहुत दुखी था वो सेठ, उसकी सेठानी भी दुखी थी। सब कुछ था उनके पास, धन था, दौलत था, रुपया था, पैसा था, सब कुछ था। बस एक चीज की कमी थी, ध्यान रखना, एक चीज की कमी तो दुनिया में सबके पास होती है। टाटा बिरला के पास भी जाओ तो उसके पास भी एक चीज की कमी होगी। रिलायंस बंधु के पास जाओ तो उनके पास भी कुछ ना कुछ कम होगा। आप कितना ही दुनिया से बहुत कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन सब कुछ दुनिया में किसी को मिलता नहीं। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। सब कुछ तो किसी के पास नहीं है, कुछ है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं हुआ कर। कहीं भी चले जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कुछ है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आप बोलो सब कुछ, तो सब कुछ तो संतों के पास भी नहीं हुआ करता है। क्योंकि अभी हम में बाकी है, अभी हम मुनि तो बन गए लेकिन अभी भगवान बनना। बस सब कुछ किसी को नहीं मिला करता है, कोई ना कोई कमी तो दुनिया में सबके पास रहा करती है। चक्रवर्ती के पास जाओ, 96,000 रानी है, 6 खंड का राजा है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े हैं, 9 निधि, 14 रत्न है, लेकिन चक्रवर्ती के पास सब कुछ नहीं है। उसका भी मान भंग किसी बाहुबली के द्वारा हो जाया करता है, मान स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। पटरानी के पास सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, 96,000 रानियों की हेड हुआ करती है, सबसे ज्यादा सुंदर हुआ करती है, सबसे ज्यादा प्यार चक्रवर्ती का उसे ही मिला करता है, लेकिन पटरानी में एक कमी है, वह कभी मां नहीं बना करती है, वह बांझ रहा करती है। एक कमी तो चक्रवर्ती के घर में भी हुआ करती है मेरे भाई। दशरथ के यहां सब सुख था, सब बहुत कुछ था, लेकिन एक मंथरा और एक कैकेयी तो दशरथ के घर में भी। कमी तो सब जगह मिलेगी, ध्यान रखना, एक ना एक कमी हर व्यक्ति के पास है। सबके पास सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, समझ में आ रहा, बिना छोड़े कुछ मिलता है क्या? कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, कुछ कुछ चाहिए, बोलो ना आगे, सब मैं ही बोलूंगा क्या? कुछ कुछ छोड़ो, बहुत कुछ चाहिए, और सब कुछ चाहिए तो जो सब कुछ छोड़ता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, कुछ कुछ चाहिए, कुछ कुछ छोड़ो, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ चाहिए तो भगवान की तरह सब कुछ छोड़। ध्यान रखना, ये दुनिया का गणित है, जो सब कुछ छोड़ेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा, जो कुछ कुछ छोड़ेगा उसे कुछ कुछ प्राप्त होगा। बस यही उत्तम तप का दिन है। सेठ एक मुनि के पास पहुंचा, महाराज प्रणाम किया मुनि को। सेठ भगवान का प्रणाम करने के बाद पूजन करने लगा, सभी लोग प्रवचन सुनकर चले गए, सेठानी बैठी रही। उसने कहा, आज तुम्हें अपनी जिंदगी की पीड़ा, जो दर्द है, वो मुनि से कह के ही रहोगे। मुनि ने कहा, सेठानी सब चले गए, तुम घर नहीं जा रही हो? आंखों में आंसू आ गए, मेरे भी आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए सेठानी के। मुनि ने कहा, कोई गरीब रोए तो बात
समझ में आती है, तू नगर सेठ की सेठानी, आंखों में आंसू क्यों है? बोले मुनिवर, बहुत कुछ मेरे पास है, संतान नहीं है मुझे। मुनि ने कहा, संतान नहीं? बोले हां। बोले दुख हमें खाए जा रहा है कि हमारी इस विरासत का वारिस कौन होगा? अपार दौलत है महाराज हमारे पास, लेकिन संतान नहीं है। मुनि ने कहा, सेठानी तुझे संतान होगी। होगी? इतना सुना कि रोम रोम में खुशियां छलक गई, फिर आंखें भर आई, मुझे संतान होगी। बोले जरूर होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना सेठानी, दुनिया में कुछ मिलता है तो कुछ छूटता छूटता है। अब छूटने की बात क्यों कर रहे हो महाराज? बोले बस तुझे एक संतान होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तेरी संतान की खबर तेरे पति को लग गई, उस दिन वो सन्यास ले लेगा। दुविधा में पड़ गई, इधर बेटा होगा उधर पति चला जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। मुनि को प्रणाम किया, घर गई। बड़ी अनमनी सी कि मैं करूं क्या, एक नारी की दुविधा, उधर पति छूटता है तो औलाद आती है, और औलाद नहीं आएगी तो पति रह गया। बड़ी दिक्कत में आ गई, बड़ी परेशानी में आ गई वो सेठानी, मैं क्या करूं कहां जाऊं। एक दिन सेठानी गर्भवती हो गई। सेठ से कहा, सेठानी ने बताया नहीं कि पता चला कि इसको वैराग्य हो जाएगा, ये सन्यास ले लेगा। जिंदगी भी कैसे खूबसूरत मोड़ पे ले जाके धोखा दिया करती है, जिंदगी भी कहां ले जा करके उलझा दिया करती है। इको कम विचार करिए, सेठानी ने कहा कि सेठ जी मेरी तबीयत सही नहीं है। वैद्यों से कहा कि सेठ को ऐसा उपाय बताओ कि मैं 9 महीने तक किसी गुप्त स्थान में रहूंगी, क्योंकि उधर पति को बचाना है, उधर मां बनने का सुख प्राप्त करना है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, यदि सेठानी की तबीयत खराब है तो नीचे जो तलघर है उसमें सेठानी की सारी व्यवस्था कर दी जाए। वैद्यों ने कहा कि किसी की नजर भी नहीं पड़ना चाहिए सेठानी पर। सेठ ने कहा, ऐसी क्या बीमारी है? अब बोले, आप ये बीमारी छोड़िए, सेठनी सेठानी का जीवन बचाइए। सेठ ने सारी व्यवस्था नीचे कर दी। विधिना तेरे ले किसी से कहे न जाते हैं। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, साल भर की बात है, आराम से गुजर जाएगा। सेठानी के नीचे तलघर में 2-4 सेविकाएं लगा दी। सेठानी का हमेशा ध्यान रखना, सेविकाएं सेवा करती, पैसा बहुत था, अपार दौलत थी, सेठानी तलघर में रहती। एक दिन सेठ कहीं घूमने जा रहे थे, सुबह सुबह का समय, प्रातः काल का समय, क्या देखते हैं कि उसके घर की दासी सरोवर में कुछ रक्त रंजित कपड़े धो रही है। सेठ ने देखा कि ये दासी क्या धो रही है इस सरोवर में, पूछा जाकर, क्या धो रही हो यहां पर, तुम कर क्या रही हो, घबरा गई दासी। सेठ ने कहा, तेरी आंखों में घबराहट दिख रही है, बता तू क्या किया तूने, क्या हुआ है? उसने घबराहट में कह दिया, सेठ जी आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। इतना सुना सेठ ने कि मेरे घर में पुत्र का जन्म, गूढ़ गर्व मुझसे ही छुपाया गया, मुझे ही नहीं बताया, मेरी ही पत्नी ने, और कहा कि स्वास्थ्य खराब है इसलिए तलघर में रहूंगी, मुझसे ही मेरी औलाद छिपाई गई, मुझसे मेरे सत्य को छिपाया गया। गया सेठ घर, और जैसे ही जाकर देखा सीधा तलघर में उतरा। सेठानी ने कहा, कौन है, कोई ना आया।
सेठ ने कहा मेरे घर में रहकर मुझे मना कर रही है, मुझसे छुपा रही है, मैंने सुना है तुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। सेठानी घबरा गई, सेठ ने देखा कि बालक का जन्म हुआ है, उठाया बालक को अपने हाथों में और देख करके बालक को मां के हाथ में सौंपा और कहा इसे संभालो। लेकिन सेठानी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये बात मुझसे छिपाने की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी सत्य को छुपाने की, धिकार ये संसार, यहां अपने ही अपने नहीं हुआ करते हैं। और कहते हैं सेठ ने घरवार छोड़ा और सन्यास के लिए जंगल की तरफ, इतनी सी बात में सन्यास ले लिए। ध्यान रखना कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे। कितनी भी होशियारी कर लो, कितनी भी चालाकी कर लो, जो तकदीर में लिखा है वो कभी मिटता नहीं है।